हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू श्वेता यादव ट्यूटोरियल्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट बेल आईकॉन फॉर मोर अपडेट्स। इन दिस वीडियो विल डिस्कस पीवाईक्यूज ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहला जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे जिसके पीवाई हम डिस्कस करेंगे दैट इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्बेशन

रिलेट कर रहा है अपनी डेफिशिएंसी डिजीज से तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेफिशिएंसी डिजीज जो हो रही है पर्टिकुलर विटामिन से तो किस विटामिन से हो रही है और कौन सा विटामिन वाटर सॉलेबल है कौन सा विटामिन फैट सॉलेबल है तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंट विटामिन की फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए विटामिन बी विटामिन बी विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी विटामिन ई एंड विटामिन के तो ये सारे विटामिन हम डिस्कस करेंगे और राइट right. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें से वाटर सोलेबल कौन सा है और फैट सॉलेबल कौन सा है तो ए डी ई एंड के दीज आर फैट सॉलेबल विटमिनस बचे हुए ये जितने भी विटामिन दीज आर वाटर सोलेबल विटामिन राइट right. अब यह तो बात हो गई विटामिन की अब अगर हम इनकी बात करें तो विटामिन एज रेटिनोल विटामिन ए को रैटिनॉल बोला जाता है विटामिन बी वन इज नोन एज थान विटामिन बी टू इज राइबोफ्लैविन राइबोफ्लैविन Vitamin B12 is cobalamin Vitamin C is ascorbic, ascorbic acid. Vitamin D is calcium, calcium Vitamin E is tocopherol, and vitamin K is phylloquinone. This is phyllo. नोइन अब ये तो बात हो गई इनके नाम की अब ये जो विटामिन हैं इससे क्या डेफिशिएंसी डिजीज होती है तो विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन बी वन थायोमीन बेरी बेरी बी टू दैट इज चिलोसेज विटामिन बी ट्वेल्व साइनो कोबेलमिन जिसे हम बोलते हैं इसकी डेफिशिएंसी से होता है परनीशियस एनीमिया विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स विटामिन ई e, टोकोफेरॉल जिसको हम स्टेरिलिटी हार्मोन या ब्यू एंटी स्टेरिलिटी विटामिन और या इसको हम बोलते हैं एंटी स्टेरिलिटी के साथ साथ हम इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं एंड के फाइलोक्नॉइन ये जो फाइलोक्यूनॉइन है ये पर्टिकुलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीवियर ब्लीडिंग अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो सीवियर ब्लीडिंग होती है तो विटामिन ई e जो है विटामिन ई दैट इज टोकोफेरॉल इस टोकोफेरॉल की डेफिशिएंसी से भी एनीमिया होता है विटामिन के फाइलोक्नॉइन की डेफिशियंसी से सीवियर ब्लीडिंग होती है तो ये बात हो गया अब अब हमें क्या ढूंढना है फैट सॉल्युबल विटामिन को ढूंढना है किसको ढूंढना है फैट सोलेबल तो फैट सोलेबल कौन से ए डी ई के ये हैं तो सबसे पहले कैल्सिफेरॉल कैल्सिफेरॉल कैसा है फैट सोलेबल है और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है ये फैट सोलेबल नहीं है क्लियर इसी के साथ साथ रेटिनॉल फैट सोलेबल है एंड कोबैलमिन कोबैलमिन साइनो कोबैलमिन ये भी फैट सोलेबल नहीं है तो यहाँ पे दो विटामिन हो गए जो कि

फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैचिंग साइट करेक्ट मैचिंग साइट सबसे पहले इन वर्ड पे फोकस करें करेक्ट इन करेक्ट या false क्या क्वेश्चन में मैंशन है सो करेक्ट मैचिंग ऑफ द साइट of action on the given substrate, the enzyme acting, the enzyme acting upon it and the end product. Clear? तो हमें yaha pe enzyme जिस सबस्टेट पे काम कर रहा है उसके बारे में जानना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्मॉल इंटस्टीन तो स्मॉल इंटस्टीन में सबसे पहले पेप्सिन नहीं होता है स्मॉल इंटस्टीन में पेप्सिन नहीं होता पेप्सिन होता है गैस्ट्रिक जूस में स्टमक में बनता है स्टमक स्टमक फैट लाइपेस मिसल हा गैस्ट्रिक जूस में गैस्ट्रिक जूस में लाइपेज होता है गैस्ट्रिक लाइपेज होता है बट यहाँ पे मिसल का फॉर्मेशन नहीं होता है सो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता दैट इज अ स्मॉल इंटेस्टीन स्मॉल इंटेस्टीन स्मॉल इंटेस्टीन में ट्राइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट तो होते हैं बट यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ पे ट्राइग्लिसराइड क्या है फैट है ट्रिप्सिन क्या है प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है ट्रिप्सिन क्या है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है तो ये एंजाइम इस सबस्टेट पे काम नहीं कर सकता एक पर्टिकुलर एंजाइम का बच्चों एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है लास्ट ऑप्शन स्मॉल इंटरस्टीन स्टार्च एमाइलेस अगर हम प्रॉपर देखें तो दिस इज एल्फा एमाइलेस एंड दिस एल्फा एमाइलेस कन्वर्ट दिस स्टार्च इन टू डाइसे और मेल्टोज तो यहाँ पे दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अल्फा एमाइलेज या एमाइलेज लिखा हुआ आ सकता है डाइसेकराइड मेल्टोज को और यहाँ पे अल्फा डेक्सट्रीन भी बनते हैं अल्फा डेक्सट्रीन का प्रोडक्शन भी होता है अल्फा डेक्सट्रीन का प्रोडक्शन भी यहाँ पे होता है और राइट right. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट वॉट विल हैपन इफ द सिक्रिएशन ऑफ पेराइटल सेल पेराइटल सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इज ब्लॉक्ड विद एन इनिबिटर अगर क्या होगा पेराइटल सेल ब्लॉक हो जाए इनहिबिटर की वजह से अब सबसे पहले पेराइटल सेल कहाँ होती है तो पैराइटल सेल्स होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड में और काम क्या करती है वो हमें पता होना चाहिए तो पेराइटल सेल के दो काम हैं पहला इंट्रेंसिक फैक्टर बनाती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है एच बनाती है और इंट्रेंसिक फैक्टर बनाती है कैसल इंट्रेंसिक फैक्टर बोलते हैं अब यहाँ पे क्या होगा ये जो HCl है ये स्टमक को क्या देता है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है साथ ही साथ ये इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव एंजाइम्स बनाने में हेल्प करता है सो हियर इन द एब्सेंस ऑफ HCl सेक्रिशन इनएक्टिव पेप्सिनोजन इज नॉट कनवर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन बिल्कुल सही है बट ये सारी बातें हमें बाकी ऑप्शंस के साथ भी देखने की बाकी ऑप्शंस क्या कह रहे हैं एक ही ऑप्शंस को देख के हमें यहाँ पे नहीं रुकना है और राइट सो हियर एंटेरोकाइनेस तो एंटेरोकाइनेस तो स्मॉल इंटेस्टिन का है यहाँ पे इसका रोल खत्म हो जाता है गैस्ट्रिक जूस विल बी डेफिशियंट इन काइमोसिन गैस्ट्रिक जूस काइमोसिन में डेफिशियंट होगा तो काइमोसिन बनाने का काम पेराइटल सेल का है ही नहीं तो यहां पे ये भी खत्म हो जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड भी नहीं होता ऑप्शन नंबर सेकंड भी नहीं होता गैस्ट्रिक जूस विल बी डेफिशिएंट इन पेप्सिनोजन तो यहां पे यहां पे पेप्सिनोजन और एंजाइम बनाने का काम काइमोसिन एंड पेप्सिनोजन बनाने का काम किसका नहीं है पैराइटल सेल का नहीं है पैराइटल सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कैसलीन इनसिक फैक्टर बनाती है तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑलराइट नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फूड कंपोनेंट इज फूड कंपोनेंट इन ह्यूमंस रीच द स्टमक टोटली अनडाइजस्टेड बकल कैविटी से स्टमक में जब फूड आता है तो कौन सा ऐसा फूड है जो टोटली totally अनडाइजेस्टेड रहता है तो ध्यान क्या रखेंगे यहां पे कि स्टमक में जब फूड आता है तो बकल कैविटी में सेलेवरी एमाइलेज केवल स्टार्च पे काम करता है बाकी किसी पे काम नहीं होता सेल्यूलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता इन दो बातों का ध्यान हम रखेंगे क्लियर सो स्टार्च एंड सेल्यूलोज स्टार्च तो डाइजेस्ट हो जाता है तो जहां जहां स्टार्च है वो ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे क्योंकि स्टार्च तो डाइजेस्ट होता है ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है क्योंकि जहां स्टार्च है वहां पे क्वेश्चन के आंसर से ये मैच नहीं करेगा क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन तो बकल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है स्टार्च पे एक्ट करता है सेलेवरिया और उसको कन्वर्ट कर देता है मेल्टोज एंड एल्फा में तो यहाँ पे ऑप्शन खत्म कौन बचे फैट एंड सेल्यूलोज सेल्यूलोस बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने के एंजाइम हमारे पास नहीं है और फैट का डाइजेशन भी बकल कैविटी में नहीं होता और राइट नेक्स्ट अंग इन्फेंट बेबी फीडिंग एंटायरली ऑन मदर्स मिल्क विच इज वाइट इन कलर बट द स्टूल स्टूल इज द फिकल मैटर फिकल मैटर और फीसेस एक बच्चा जो अब माँ का दूध पी रहा है एंटायरली माँ के दूध पे निर्भर है बट जो फिकल मैटर वो पास करता है विच इज क्वाइट येलोइश इन कलर अब जो फिकल मैटर पास करता है उसका रंग येलोइश है वॉट इज द वॉट इज दिस येलो कलर ड्यू टू जो येलो कलर है फीकल मैटर का वो किसके कारण है फर्स्ट ऑप्शन पेनक्रियाटिक जूस के कारण नहीं हो सकता इंटेस्टिनल जूस के कारण नहीं हो सकता भी भी देख लेते हैं Undigested milk protein casein. इसके वजह से भी नहीं हो सकता इसका correct answer है answer number three. अब ऐसा क्यों होता है जब हीमोग्लोबिन टूटता है क्लियर जब हीम ग्लोबिन तो हीम क्या है आयरन कंटेनिंग है और ग्लोबिन क्या है प्रोटीन है तो बेसिकली हीमोग्लोबिन टूटता है आरबीसी में तो जब हीमोग्लोबिन टूटता है जब आरबीसी का डिग्रेडेशन होता है हीमोग्लोबिन टूटता है तो हीमोग्लोबिन के टूटने से पिगमेंट्स बनते हैं और यही जो पिगमेंट्स होते हैं ये येलो कलर ऑफ फीकल मैटर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो यहाँ पे बाइल पिगमेंट के बनने से बाइल जूस में ये पिगमेंट होते हैं इनके बनने से जो फीकल मैटर है उसका रंग कैसा होता है येलो कलर का होता है और नेक्स्ट right, इन द स्टमक द गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रिएटेड बाई एसिड गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बायमक में गैस्ट्रिक एसिड कौन बना रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिलेटेड है अब थोड़ा सा फोकस करें थोड़ा सा फोकस करें तो स्टमक में अलग अलग टाइप की सेल्स होती है पेराइटल सेल्स चीफ सेल्स और राइट इनका काम क्या है एक काम है एच सी एल बना ना और इंट्रेंसिक फैक्टर बनाना और दूसरे का काम है क्योंकि जब हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात करते हैं तो यहां पे ऐसी भी होती जो हार्मोन बनाती है उसका नाम है गैस्ट्रीन तो यहां पे तो एसिड की बात हो रही है हार्मोन की बात नहीं हो रही ये वाला ऑप्शन नहीं है पेराइटल सेल ल एच सी भी बनाता है और इंट्रेंसिक फैक्टर भी बनाता है Clear? फिर भी हमें बाकी पे फोकस करना है पैप्टिक सेल्स, पैप्टिक सेल्स, चीव, चीव सेल्स ये बनाती है रैनिन या फिर हम कह सकते हैं पेप्सिन तो प्रो रैनिन एंड पेप्सिनोजन बनाने का काम करती है जिनको हम बोलते हैं जाइमोजेंस तो यहां पे पैप्टिक सेल्स नहीं हो सकते और एसिडिक सेल्स तो हो ही नहीं सकती सो द करेक्ट आंसर इज पेराइटल सेल करेक्ट आंसर इज क्योंकि एच सी एल ही गैस्ट्रिक एसिड है और राइट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक डू द डिओनम बहुत ध्यान से एक डायग्राम में बनाने उसको देखें यह है हमारी यह है हमारी डिओडिनम दैट इज द स्मॉल इंटेस्टीन और इस स्मॉल इंटेस्टीन में इस स्मॉल इंटेस्टीन में एक डक्ट आ रही है जिसको हम बोलते हैं हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट और ये जो हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट है ये लेके आ रही है पैनक्रियाटिक जूस भी और बाइल जूस भी और डियोडिनम को दे रही है क्लियर अब यहां पे ये किससे रेगुलेटेड है तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है यहाँ पे जो फूला हुआ हिस्सा है बच्चों ये जो फूला हुआ हिस्सा है ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं एम्प्यूला और यहाँ पे एक वेल प्रेजेंट है या ये हम कह सकते हैं स्विंटर प्रेजेंट है ये स्विंटर इस पर्टिकुलर से आने वाले पर्टिकुलर जूस को कंट्रोल करता है तो इस स्विंटर को बोला जाता है स्विंटर ऑफ ओडाई सेमिल्यूनर वेल्व हार्ट में होते हैं ये नहीं हो सकते इलियोसिकल वेल्व इलियम और सिकम के जंक्शन पे होते हैं ये नहीं हो सकते पाइलोरिक स्विंटर पाइलोरिक स्विंटर स्टमक एंड डिओर्डिनम के बीच में होते हैं तो ये भी नहीं हो सकते तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है डिओर्डिनम से रिलेट कर रहा है तो यहाँ पे स्विंटर ऑफ ओडाई रेगुलेट द रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट टिक डक एंड दिस वन मैं थोड़ा सा इसको मैंशन कर देती हूँ यहाँ पे कलर से ग्रीन कलर से मैं इसको मैंशन कर देती हूँ दिस इज गार्डेड बाय दिस पर्टिक्यूलर ओडाई दैट इज फिंटर ऑफ ओडाई राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन विच हॉर्मोन डू स्टूमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस एंड बाई कार्बोनेट

ये आएंगे लोकल लोकल हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स कौन से होते हैं जो एक पर्टिकुलर जगह से सीक्रेट होते हैं और उस पर्टिकुलर जगह ही काम करते हैं मतलब गट से निकल रहे हैं और गट में ही काम कर रहे हैं इंटेस्टिन से निकल रहे हैं तो वहीं काम कर रहे हैं क्लियर तो ऐसे पर्टिकुलर हॉर्मोन्स जो होते हैं लोकल हॉर्मोन्स होते हैं ये एंडोक्राइन हॉर्मोन्स हैं और राइट नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजियोटेंसिनोजन एंड एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन भी एक एंडोक्राइन हार्मोन है इंसुलिन भी एक एंडोक्राइन हार्मोन है ये ऑप्शंस नहीं हो सकते सो विच ऑफ द विच हार्मोन डू स्टमुलेट द प्रोडक्शन तो कौन सा करेगा कॉलियोसिस्टिकाइनिन एंड सिक्रीटीन क्लियर तो यहां पे सिक्रीटीन जो है फर्स्ट हार्मोन है और ये पर्टिकुलर हार्मोन uh,

पेनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन के लिए जिसमें क्या है एंजाइम्स है right. तो के के लिए ये दोनों हॉर्मोन्स जिम्मेदार हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच से सबसे पहले क्रिप्ट ऑफ लाइबरकन क्या है टिब्यूलर ग्लैंड होते हैं ये विलाईज है ये मैंने दो विलाईज बना दी तो बच्चों विलाईस के बेस पे इस तरीके से ट्यूबुलर ग्लैंड्स मौजूद हैं तो ये जो ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं क्लियर दीज ग्लैंड्स आर नोन एज स्क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकन स्क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकन पर्टिकुलर ग्लैंड में भी अलग-अलग सेल -अलग होती है जो अलग-अलग काम करती है इसमें से एक सेल है जिसको हम बोलते हैं पिनेट सेल ये सीक्रेट करती एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है यहां में एंटी लाइसोजाइम बाकी क्यों नहीं हो सकते हैं, उसको देख लेते हैं। Zymogens, ये स्टमक वाली सेल्स हैं और ये स्टमक की सेल्स क्या बनाएंगी स्टमक के एंजाइम्स बनाने का काम करती हैं गैस्ट्रिक एंजाइम्स बनाने का काम करती हैं कफर सेल्स बिल्कुल रिलेट नहीं कर रही है एंड अर्जेंट टेफ सेल्स भी इससे रिलेट नहीं कर रही हैं और राइट right, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है पिनेथ सेल पिनेथ सेल बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना क्या करती है ये ये एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरियल लाइसोजाइम या केवल लाइसोजाइम आए तो भी यहाँ पे करेक्ट माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन अ बेबी बॉय एज टू इयर्स इज एडमिटेड टू द प्ले स्कूल एंड पासिस थ्रू अ डेंटल चेकअप The डेंटिस्ट ऑब्जर्व दीथ एक बच्चे के दात देखे डॉक्टर ने तो उसमें दिखाई दे कि बी सी दांत है केवल Which teeth were absent? तो इसके लिए कुछ नहीं करना आपको बच्चों केवल डेंटल फॉर्मूला लिखना है टू वन जीरो टू अपॉन टू वन जीरो टू ये तो है एक बच्चे का डेंटल फॉर्मूला और एक एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला right. तो क्या है टू वन टू थ्री अपॉन टू वन टू थ्री राइट तो यहाँ पे क्या है एंड मोलार यहां पे भी क्या है इंसिजर्स प्री मोलार एंड मोलार अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि बच्चे में कौन से दांत नहीं है तो बच्चे में कौन से दांत नहीं दिख रहे आपको प्री मोलार एंड लास्ट मोलार तो यहां पे थर्ड वाले को हम क्या बोलेंगे लास्ट मोलार दिस वन इज लास्ट मोलार एंड दिस वन इज प्री मोलार क्लियर ये नहीं दिख रहे बच्चे में ये बच्चे में नहीं दिख रहे तो ऑप्शन क्या आएगा केनाय है ये नहीं आएगा क्लियर इनसीजर्स हैं ये नहीं आएगा प्री मोलार्स एंड मोलार्स अगर यहां पे थर्ड मोलार आता बच्चों अगर यहां पे थर्ड मोलार आता तो ये करेक्ट होता क्लियर तो यहां पे थर्ड ने केवल मोलारोलार है तो ये भी गलत प्री मोलार प्री मोलार बच्चे में प्रेजेंट नहीं है अगर सत्रह साल का बच्चा आ जाता है यहाँ पे तो उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता टू वन टू टू अपॉन टू वन टू टू क्लियर तो एक अडल्ट में एक अडल्ट में कितने है? थर्टी टू टीथ हैं एक बच्चे में बीस दांत हैं क्लियर तो कितने कम है बारा दांत कम है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द ह्यूमन डेंटिशन इनमें से कौन सी टर्म ह्यूमन डेंटिशन को वेल well डिस्क्राइब करती है सो so, यहां पे ह्यूमन डेंटिशन को जो वेल well डिस्क्राइब करती है वो टर्म है थीकोड डायफोडोंट होमोडोंट नहीं करती होमोडोंट नहीं करती तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्लियर थीकोडोट डाइफ्योडोंट हिटरोडोन्ट ये ऑप्शन बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है इसको मैं डिटेल करूंगी कैसे प्लूरोडोंट नहीं है प्लूरोडोंट नहीं है तो थीकोडोंट डाइफ्योडोंट और हिटरोडोंट क्यों है सबसे पहले हम बात करेंगे थीकोडोंट क्यों है थीडोंट इसलिए है क्योंकि हमारे जो दांत हैं वो हमारे बोनी सॉकेट में है टीथ आर एम्बेडेड इन द बोनी सॉकेट मान लीजिए दांत है ये हमारी बोन है तो हमारे जो दांत है बिल्कुल हमारे बोन के सॉकेट में घुसे हुए थीडोंट डाइफियोडोंट डाइफियोडोंट किस लिए है क्योंकि हमारे मिल्क टीथ के बाद आते हमारे परमानेंट टीथ क्लियर इसलिए डाइफियोडोंट है Heterodont क्यों है? क्योंकि चार अलग अलग प्रकार के दांत हैं कौन कौन से हैं इंसिजर कैनाइन प्रीमोलार्स एंड मोलार्स तो इसलिए कैसे हैं ह्यूमन तो को वेल well डिस्क्राइब कौन करता है थीकोडोंट डाइफोड एंड हिटरोइट नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल इनडायरेक्टली हेल्प इन इरिथरो क्लियर तो सबसे पहले इरिथ्रोपाइसिस क्या होता है इरिथ्रोपाइसिस होता है आरबीसी का फॉर्मेशन आरबीसी का फॉर्मेशन होता है एरि अब आरबीसी का फॉर्मेशन कौन करवा रहा है ये हमें जानना है तो यहां पे कौन से ऐसे सेल्स हैं जो इन्वॉल्व हैं इनडायरेक्टली चीफ सेल्स एंजाइम्स बनाती है ये नहीं हो सकती म्यूकस सेल्स म्यूकस बनाती है? नहीं हो सकती गॉब्लेट सेल्स म्यूकस बनाती नहीं हो सकती पैराइटल सेल तो आंसर तो यही सही जा रहा है पर क्यों जा रहा है ध्यान क्या रखना है पेराइटल सेल्स एच बनाती है साथ ही बनाती है इंट्रेंसिक फैक्टर इंटरसिक फैक्टर जिसको कैसल इंट्रेंसिक फैक्टर बोलते हैं एंड दिस पर्टिकुलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व ये विटामिन बी ट्वेल्व का एब्जॉर्प्शन करता है और विटामिन बी ट्वेल्व एरिथ्रोपोइसिस यानी कि आरबीसी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है साइनोकोबालमिन विटामिन बी12 है साइनोकोबालमिन जो कि आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड uh, विटामिन है यह कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर uh, इस पर्टिकुलर विटामिन पे एक कोटिंग ग्लाइकोप्रोटीन कवरिंग बना देते हैं जिससे ये विटामिन इंटेस्टाइन में खत्म नहीं होता है डिग्रेड नहीं होता है और ब्लड के द्वारा एबजॉर्ब कर लिया जाता है सो so, पे इनडायरेक्टली सेल नेक्स्ट आइडेंटिफाई द सेल्स प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट फ्रॉम वेरियस एंजाइम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जब प्रोटेक्शन की बात आएगी तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो इनर लाइनिंग है ना बच्चों करेक्ट ऑप्शन तो म्यूकस तो बनाता कौन है चीफ सेल्स जाइमोजेंस ये नहीं हो सकतीट सेल्स म्यूकस बनाती हैं? करेक्ट ऑप्शन तो ये है ऑक्जेंटिक सेल्स और पेराइटल सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है यह नहीं हो सकती डिऑर्डिन सेल्स नहीं हो सकती और राइट सो द करेक्ट आंसर इज सेल्स। सिक्रीट म्यूकस। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद रेस्पेक्टिव लोकेशन इन ऑर्गन्स। पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को उनकी रेस्पेक्टिव लोकेशन के साथ मैच करना है क्रिप्ट ऑफ लाइबरकन विज के बेस पे विलाइस के बेस पर और विलाईस कहाँ है स्मॉल इंटस्टीन में सो ए ग्लिंस कैप्स्यूल क्या है लीवर में प्रेजेंट है सो बी हिपैटिक लोब्यूस के ऊपर होता है आइलेट्स ऑफ लैंगर हें पेनक्रियाज जो बनाता है इन एंड अदर हॉर्मोन एंड ब्रूनर्स ग्लैंड म्यूकोसा ऑफ डिओर्डिनम सा ऑफ डी तो ये हमें पर्टिकुलर लोकेशन याद होने चाहिए सी डी ए बी क्लियर राइट तो ये आपको याद होने चाहिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट हम बात करते हैं मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम वन विद दो इन कॉलम टू एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है मतलब कॉलम वन को मैच करना है कॉलम टू से तो सबसे पहला है रैनिन रेनिन क्या है एंजाइम है जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है सो so, रेनिन मिल्क प्रोटीन ए थर्ड और राइट एक्टिव करता है ट्रिप्सिनोजन को बी बी नेक्स्ट ऑक्जेंटिक सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रेंसिक फैक्टर बनाती है और विटामिन बी ट्वेल्व का एब्जॉर्प्शन करती है सी एंड फ्रक्टोज का जब एब्जॉर्न होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन विद हेल्प ऑफ कैरियर आयन और कैरियर प्रोटीन की वजह से होता है सो so यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि फंक्शन कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है नेक्स्ट क्वाशियोरकर डिजीज इज ड्यू टू तो यहां पे ये प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन है और कर बेसिकली प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है क्लियर तो यहां पे देख लेते हैं साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड फैट तो यहां पे फैट आ गया तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज प्रोटीन एंड कैलोरीज आ गया ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये नहीं हो सकता प्रोटीन डेफिशिएंसी नॉट अकॉम्पैन्ड बाय कैलोरी डेफिशिएंसी सो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है बच्चों में होता है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है नेक्स्ट गोबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फ्रॉम गोबलेट सेल्स किससे मॉडिफाई हुई हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है कि गोबलेट सेल्स कहां होती है तो बच्चों गॉबलेट सेल्स होती कॉल्यूमिनार एपिथीलियम में ये कॉल्यूमिनार एपिथीलियम है और इस कॉल्यूमिनार एपिथीलियम में इस तरीके से ये गॉबलेट सेल्स होती हैं एंड दीज गॉबलेट सेल्स सिक्रीट म्यूकस तो कहां पे प्रेजेंट होती है कॉल्यूमिनार एपिथीलियम कंपाउंड एपिथीलियम में नहीं होती स्क्वामस में नहीं होती कॉन्ड्रोसाइड्स तो कोई ऑप्शन के साथ मैच कर ही नहीं रहा है

ट्रिप्सिनोजन इंटू ट्रिप्सिन करेक्ट है कैसिन ये भी बिल्कुल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये कन्वर्जन कहाँ होता है स्टमक पे तो ये दोनों कन्वर्जन स्टमक में होते हैं ये नहीं हो सकते और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टीन से रिलेट कर रहा है कौन सा ट्रिप्सिनोजन इंटू ट्रिप्सिन इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन Enterokinase, भी इसको बोला जाता है

सिरोसा इज द इनर मोस्ट ऑफ़ एलिमेंट्री के नो सिरोसा इज द आउटर मोस्ट लेट्री सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा क्लियर इलियम इज तीन ऑप्शन तो गए इलियम इज हाइली क्वाल्ड पार्ट बिल्कुल सही है इलियम सबसे ज्यादा क्वाइल्ड पार्ट होता है स्मॉल इंटस्टीन का तो यहां पे हमें देखना है कि करेक्ट स्टेटमेंट गिवन में से कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन

टिक सेल ऑगेंटिक सेल क्या बनाती है एसियल एंड कैसे विटामिन बी ट्वेल्व का एब्जॉर्बन करता है नेक्स्ट द प्रोटोलाइटिक एंजाइम रेनिन इज फाउंड इन रेनिन कहा मिलता है इंटेस्टाइनल जूस नो बाइल जूस में तो एंजाइम होते ही नहीं तो हो ही नहीं सकता पेनक्रियाटिक जूस में भी नहीं हो सकता क्योंकि रैनिन एंड पेप्सिन ये स्टमक में मिलते हैं यानी कि गैस्ट्रिक जूस में मिलेंगे तो कहां मिलेंगे गैस्ट्रिक जूस में मिलेंगे और क्या काम करेंगे मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे किसके लिए रेफर किया जाता है किसका दूसरा नाम है इंटेस्टिनल जूस का क्लियर

प्रेजेंट होता है ये दोबारा से क्वेश्चन आया है और अलग फॉर्म में आया ठीक है तो इलियोसिकल जंक्शन पे नो no. नहीं है इलियोसिकल स्पिंटर या वेल प्रेजेंट है वहां पे जंक्शन ऑफ डक्ट एंड डिओर्डिनम ये करेक्ट है गैस्ट्रोइोफेजियल जंक्शन सो गैस्ट्रो जंक्शन क्लियर मतलब स्टमक और ईसोफेगस पे तो वहां पे तो गैस्ट्रो ईसोफेजियस प्रेजेंट है ये नहीं हो सकता जंक्शन ऑफ जेजुनम एंड डिओर्डिनम ये नहीं हो सकता सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर जंक्शन ऑफ हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट एंड डिओर्डिनम मतलब बाइल जूस को और पेनक्रियाटिक जूस को डिओर्डिनम में लाने का काम कर रहा है ऑल सो यहाँ तक बच्चों हमने डिस्कस किए